असलम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में चैप्टर टेन इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज है टेन पॉइंट थ्री क्वेश्चन है हमारे पास सेवन मार्क्स ऑफ टेन बाई दी स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मैथड से और शॉर्टकट मैथड से मीडियन मॉड अब यहाँ पर अगर आप डाटा को देखें तो डाटा जो है वो ग्रुप डाटा में ग्रुप डाटा है ठीक है मार्क्स ऑफ टेन यहाँ पर क्लासेज दी हुई हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीकवेंसीज दी हुई हैं तो जब हमने अर्थमेटिक मीन को समझा था तो हमने देखा था कि ग्रुप डेटा का जो मीडियन है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है तो हमने वही चीज़ करनी है एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है ठीक है और देन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी आई यानी कि क्लास इंटरवल लिखेंगे देन आ जाएंगी फ्रीक्वेंसीज फिर आएगा हमारे पास एक्स और देन आएगा एफ एक्स ठीक है सो क्लास इंटरवल हमें दी हुई है हमने वही सेम लिखनी है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी फोर फोर्टी फाइव टू फोर्टी नाइन फ्रीकुनसीज़ भी दी हुई हैं तो वही आएंगी नाइन एटीन थर्टी फाइव सेवेंटीन एंड फाइव टोटल एफ का टोटल क्या होगा एटी फोर ठीक है अब एक्स क्या होता है एक्स होता है मिड पॉइंट सो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है क्लास इंटरवल है हमारे पास ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी नाइन फिफ्टी फोर डिवाइड करेंगे टू से क्या आया ट्वेंटी सेवन सो so, x है ट्वेंटी सेवन यानी कि क्लास इंटरवल जो है वो दोनों प्लस होते हैं और ध्यान इन्हें टू से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास मिड पॉइंट आता है ठीक है इसके बाद थर्टी प्लस थर्टी फोर डिवाइड बाय टू थर्टी टू इसके बाद है थर्टी फाइव प्लस थर्टी नाइन डिवाइड बाय टू थर्टी सेवन थर्टी सेवन देन है फोर्टी एंड फोर्टी फोर फोर्टी प्लस फोर्टी फोर डिवाइड बाई टू इज़ फोर्टी टू और है फोर्टी फाइव एंड फोर्टी नाइन फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन डिवाइड बाई टू इज़ फोर्टी सेवन अब है एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना सो so, ये एफ है और ये एक्स है दोनों अलग अलग दिए हुए हैं इन दोनों को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर देना है So twenty seven multiplied by nine is two hundred and forty three Then, eighteen multiply by thirty two five hundred and seventy six. Pair thirty five multiply by thirty seven one two nine five pair. थर्टी फाइव हो गया सेवनटीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी टू सेवेन वन फोर सेवेन वन फोर एंड द लास्ट वन फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सेवन टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले एफ एक्स को हमने टोटल निकालना है टू फोर्टी थ्री प्लस फाइव सेवन सिक्स प्लस वन टू नाइन फाइव प्लस सेवन वन फोर प्लस टू थ्री फाइव कितने बने थ्री ज़ीरो सिक्स थ्री थ्री ज़ीरो सिक्स थ्री सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ़ एफ एक्स अपॉन एफ़ समेशन ऑफ़ एफ़ एक्स यानी कि टोटल क्या आया है एफ़ एक्स का थ्री ज़ीरो सिक्स थ्री अपॉन एफ का टोटल समेन ऑफ एफ है यहाँ पर भी समेन ऑफ एफ यानी कि एफ का टोटल एटी फोर सो थ्री जीरो आंसर आया थर्टी सिक्स पॉइंट फोर सिक्स फोर थर्टी सिक्स पॉइंट फोर सिक्स फोर अर्थमेटिक मीन का आंसर क्या आया थर्टी सिक्स पॉइंट फोर सिक्स फोर तो ये था डायरेक्ट मैथड डायरेक्ट मेथड, ठीक है अब हमने शॉर्टकट मेथड से निकालना है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट नहीं है ठीक है अब शॉर्टकट मेथड जिसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं तो इसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल ही बनेगा तेन एफ का एफ ही आएगा एक्स आएगा अब एफ एक्स नहीं आएगा यहाँ पर आएगा डी जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस ए ए वैल्यू क्या आएगी टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए इज़ इक्वल टू थर्टी टू और साथ ही यहाँ पर एफ़ और डी आएगा ठीक है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड डी ये ठीक है एफ़ और डी मल्टीप्लाई होंगे सो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं हमारे पास है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी फोर फिर है थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी फोर फोर्टी फाइव टू फोर्टी नाइन और यहाँ पर है एफ नाइन एटीन थर्टी फाइव सेवेंटीन और फाइव टोटल एटी फोर ठीक है एक्स भी आपने पीछे फाइंड किया है वही सेम आएगा ट्वेंटी सेवेन थर्टी टू थर्टी सेवेन फोर्टी टू फोर्टी सेवेन अब टी क्या है एक्स माइनस ए यानी ट्वेंटी सेवन में से थर्टी टू जाएंगे माइनस का फाइव फिर थर्टी टू में से थर्टी टू गए जीरो थर्टी सेवन में से थर्टी टू गए फाइव फिर फोर्टी टू में से थर्टी टू गए टेन एंड देन फोर्टी सेवन में से थर्टी टू गए तो फिफ्टीन ठीक है इसके बाद एफ़ और डी यानी के फ्रिक्वेंसी और माइनस फाइव यानी कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है सो नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव माइनस का क्योंकि फाइव के साथ माइनस है देन ज़ीरो एटीन से जीरो देन फाइव और थर्टी फाइव मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा वन सेवन फाइव देन वन सेवन जीरो टेन जब सेवेंटीन से हुआ है देन फिफ्टीन एंड फाइव फाइव और फिफ्टीन मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो गए सेवेंटी फाइव इनको हमने प्लस माइनस किया तो ये आ गए हमारे पास थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव टोटल ठीक है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स पार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ सो ए क्या है हमारे पास थर्टी टू Plus, so, 4 .464, 4 .464. So, प्लस समीशन ऑफ़ एफ डी इज़ थ्री हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव एंड समीशन ऑफ एफ इज़ एटी फोर सो यहाँ पर थर्टी टू प्लस थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव को एटी फोर से डिवाइड किया तो हमारे पास आया फोर पॉइंट फोर सिक्स फोर फोर पॉइंट फोर सिक्स फोर सो यहाँ पे थर्टी टू और फोर प्लस होकर हो गए थर्टी सिक्स और पॉइंट में आ गया फोर सिक्स फोर ठीक है तो यहाँ पर हमने मीन निकाल लिया दोनों मेथड से अब हम मीडियन और मॉड फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा का अब मीडियन के लिए भी हमने यहां पर टेबल बनाना है मीडियन क्लास इंटरवल आएगा एफ आएगा सी बी और सी एफ ठीक है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी फाइफ टू थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव टू फोर्टी नाइन फ्रिक्वेंसी सेम आएगी नाइन एटीन थर्टी फाइव सेवेंटीन एंड फाइव सी और बी मतलब के क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो जाएगा यानी कि पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव में से माइनस होंगे लोअर लिमिट में से पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस होंगे और अपर लिमिट में प्लस होंगे जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फ़ोर पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टू थर्टी फोर पॉइंट फाइव थर्टी फोर पॉइंट फाइव टू थर्टी नाइन पॉइंट फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फोर्टी फोर पॉइंट फाइव एंड फोटी फोर पॉइंट फाइव टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव अब सी एफ क्या होता है सी एफ नाइन ठीक है अब यही नाइन प्लस एटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अब ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी टू फिर सिक्सटी टू प्लस सेवेंटीन इज इक्वल टू सेवेंटी नाइन और देन सेवेंटी नाइन प्लस फाइव इज इक्वल टू एटी फोर ठीक है अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी है तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है थर्टी फाइव तो ये क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास या फिर मॉडल क्लास ये क्लास ठीक है मीडियन क्लास या फिर मॉडल क्लास ठीक है अब जो भी सोलूशन होगा इस क्लास को देखते हुए होगा मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एच अपॉन एफ दैन एन अपॉन टू माइनस सी एफ ठीक है सो so यहाँ पर एज वी नो एन अपॉन टू इज़ इक्वल टू summation ऑफ एफ अपॉन टू और जो के है एटी फोर फ्रिक्वेंसी का टोटल और दैन टू तो ये हो गया फोर्टी टू ठीक है तो हमने यहाँ पे एन अपान टू को सिम्प्लीफाई किया है सो so एल क्या है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट इसी क्लास की थर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस एच एच होता है साइज सो क्लास का साइज़ है हमारे पास थर्टी टू थर्टी फोर फाइव ये देखें थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर तो वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है थर्टी फाइव ठीक है फिर एन अपॉन टू आ गया हमारे पास फोर्टी टू माइनस सी एफ क्या है हमारे पास ट्वेंटी सेवेन सो यहाँ पर थर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस ये होगा मल्टीप्लाई यहाँ पर ये फाइव अपॉन थर्टी फाइव इसी तरह से आया और फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी सेवेन इज़ फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ पर फिफ्टीन फाइव से होके थर्टी फाइव से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा थ्री फोर पॉइंट फाइव इज इक्वल यहाँ पर प्लस टू पॉइंट वन फोर तो टू दोनों को प्लस किया तो आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स फोर टू आंसर मीडियन का ठीक है अब मॉड की बारी सो मॉड के लिए भी सेम जो टेबल है वही यूज़ हो जाएगा मॉड मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू ठीक है सो लोअर क्लास क्या है इसकी सेम ही थी थर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस एफ एम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एफ एम थर्टी फाइव थी माइनस एफ वन अब एफ वन क्या होती है जो थर्टी फाइव से ऊपर होगी फ्रिक्वेंसी सो थर्टी फाइव से ऊपर क्या है एटीन ठीक है थर्टी फाइव से ऊपर है एटीन और एफ टू होगी थर्टी फाइव से जो नीचे होगी तो वो है सेवनटीन सो so, एफ़ वन आ गया हमारे पास एटीन मल्टीप्लाई एच है हमारे पास फाइव क्लास का साइज़ फाइव है एफ एम अगेन थर्टी फाइव माइनस एफ वन एटीन और फिर प्लस एफ एम थर्टी फाइव माइनस एफ़ टू सेवनटीन ठीक है थर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस अब यहाँ पर ये यह हो गए एटी फाइव दोनों को माइनस किया फाइव से मल्टीप्लाई किया एटी फाइव अपॉन थर्टी फाइव माइनस एटीन सेवनटीन प्लस एटीन ठीक है थ्री फोर पॉइंट फाइव प्लस एटी फाइव अपॉन दोनों को प्लस किया सेवेंटीन और एटीन को तो हो गया थर्टी फाइव तो दोनों को डिवाइड किया सो थर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फोर टू एट तो क्या आया आंसर दोनों को प्लस किया थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन टू एट आंसर तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने ग्रुप डाटा का मीन मीडियन एंड मॉड फाइंड किया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब एंड साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़